हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप तुसी सारे ठीक होवोगे ते अपना ध्यान रख रहे होवोगे। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल एज वेल। इस तो पहला कि आप अपना रिएक्शन शुरू करिए या फिर आप अपने रिएक्शन दी वीडियो बारे गल करिए, आई जस्ट वांट टू अपोलोजाइज टू यू गाइज कि कल वाली वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी सी एंड आई वॉज एडिटिंग एंड इन द मीन टाइम आई रियलाइज के वो बहुत ही डिस्टॉर्टेड है। इन द स्टार्टिंग मैं बहुत कुछ किया सीगा उहदे विच, सो आई हैड टू कट डाउन ऑन इट एंड आई हैड टू मेक इट वेरी शॉर्ट वीडियो इन द स्टार्टिंग। द गुड थिंग वॉज के जेड़ा सारा मेरा रिएक्शन सीगा ऑन डॉटर्स इन इस्लाम दैट वॉज कैप्चर्ड विच इज ग्रेट। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिएक्शन वीडियो। अज जी आप वीडियो करांगे वह भी मौलाना तारिक जमील की करांगे। वह मैनू बहुत ही अच्छी एक वीडियो मिली उन्होंने जिदा टाइटल हैगा है प्रेयर ऑफ पेरेंट्स माँ बाप की दुआ। मौलाना तारिक जमील का लेटेस्ट बयान 11 नवंबर 2021 नू उन्होंने दिता सी अवला बयान। मैं थोनू कह रही सी कल कि आपां इन्हां दी होर वीडियोज देखांगे ते मैनू आ वाली वीडियो ना बड़ी इंट्रीग कर रही है। जदों मां बाप साडे वास्ते दुआ करदे आ ते उहदे की मायने हुंदे आ। कल दे ग्रेट रिस्पॉन्स वास्ते थैंक यू सो मच टू एवरीवन। जे तुसी हजे तक मेरे चैनल नू सबसक्राइब नहीं कीता ना तां प्लीज जरूर करना क्योंकि आपां बहुत सारे रिक्वेस्ट कवर करन वाले आ ते जे कोई इंटरप्शन होएगी प्लीज मैनू एक्सक्यूज कर देना। चलो फिर इस बयान नू एक्सप्लोर करते हैं मौलाना तारिक जमील दे प्रेयर ऑफ पेरेंट्स माँ बाप की दुआ। तुम सब बच्चे बैठे हो, वालदैन को अपनी जन्नत बना लो, माँ बाप को अपनी जन्नत बना लो, उनकी दुआ ले लो। मेरे नबी ने फरमाया काश मेरी माँ जिंदा होती। माँ, माँ का खास तौर पर मेंशन किया मेरी माँ, क्योंकि बाप को तो देखा ही नहीं और माँ को देखा है 6 साल। मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पे खड़ा होता और मेरे घर से मेरी माँ कहती मोहम्मद, तो मैं माँ के लिए नमाज तोड़ देता। क्या बात है, मेरा नबी कह रहा है। क्या बात। और जब आप हज पे तशरीफ ले गए और अबवा के मैदान से गुजरे जहाँ मेरे नबी की वालदा का इंतकाल हुआ था, इस बात को 57 साल गुजर चुके हैं। 6 बरस की उम्र में मदीना से निकले 3 अफराद, मेरे नबी की माँ, मेरे नबी के वालिद की बांदी उम्म ऐमन, वो भी माँ हैं, उन्होंने भी दूध पिलाया था मेरे नबी को। 2 माएँ हैं, एक दूध पिलाने वाली, एक पैदा करने वाली और एक मेरे नबी हैं। जब अबवा के पहाड़ों में पहुँचे तो अचानक हार्ट अटैक से हजरत आमना 25 साल की उम्र में इंतकाल फरमा गईं और मेरे नबी ने इतना उसका गम लिया। 6 साल का बच्चा, मैं सन 2000 में वहाँ गया था, मेरे आंसू नहीं रुकने को आ रहे थे कि कहाँ मेरे नबी की माँ को अल्लाह ने उठाया। ना कोई आसरा, ना कोई सहारा, ना कोई रिश्ता, ना कोई झोली, ना कोई छांव, ऐसे तने तनहा यतीम कर दी। ही गॉट इमोशनल, इट इज इमोशनल। जब उनको पत्थरों में दबा के नीचे उतरे, उम्मे ऐमन को से हाथ छुड़ाकर भागे और ऊपर पहाड़ी पे चढ़ गए। जब उम्मे ऐमन पीछे गई तो आपने उम्मे ऐमन ने क्या देखा कि अबवा के पहाड़ भी रो रहे होंगे, आप माँ की कब्र को चिमट के ऐसे ऊपर लेटे हुए थे। होर की करते हैं ना, कब्र को पकड़ा हुआ था, ऊपर लेटे हुए थे। जब उम्मे ऐमन करीब आई तो सुना आप कह रहे थे अम्मा जी आपको तो पता था आपके सिवा मेरा कोई ना था, आप मुझे छोड़ के कहाँ चली गई, क्यों चली गई। 6 साल का बच्चा पहली मौत देख रहा है तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि मेरी माँ के साथ हुआ क्या है। उम्मे ऐमन ने उठाना चाहा, आपने उठने से इनकार कर दिया। इस सदमे को सीने में लिए हुए 57 साल के बाद, 7वें दिन बंदा रो नहीं सकता, रोना ही चाहे तो रोन नहीं होता। 57 साल के बाद आप उस वादी से गुजरे, आपने ऊँटनी को माँ की कब्र की तरफ मोड़ दिया और इन पिलर्स को 3 गुना करो तो वो पहाड़ बनता है, छोटी पहाड़ी थी। ऊँटनी को नीचे बिठाया, ऊपर पहाड़ पर गए और ये मुझे देखो, यूं आपने घुटने खड़े किए माँ की कब्र के सराहने और ये हाथ यहाँ रखे और फिर सर दिया अपने घुटनों में यूं, फिर रोना शुरू किया। इतना रोए, अप्रैल का महीना था, धूप सर पे पड़ रही थी, हम तो ठंडी धूप में बैठे हैं, शदीद धूप में बैठे थे और इस कंडीशन में, ये बच्चों का स्टाइल होता है जब लंबा रोना हो तो वो यूं बैठते हैं सर अंदर देकर। इतना रोए कि आपकी दाढ़ी सारी आंसुओं से भर गई, सीना तर हो गया, एहराम तर हो गया,
और कई घंटे बैठ के रोते रहे। दो जहान के सरदार होकर तमन्ना कर रहे हैं, काश है अम्मा तू जिंदा होती। हाँ। तू मुझे कहती मोहम्मद मैं तेरे लिए नमाज तोड़ देता। और मेरे नबी ने, ये बच्चियां गौर से सुनो, मेरे नबी से पूछा गया या रसूल अल्लाह क्यामत कब आएगी, आपने फरमाया तो अल्लाह को पता है। ने कहा या रसूल अल्लाह कोई निशानी बता दे, तो आपने फरमाया जब बच्चियां माओं को जलील करेंगी तो क्यामत आएगी। बेटियां जब बेटियां माओं के साथ बदतमीजी करेंगी और माओं को जलील करेंगी तो क्यामत आ जाएगी। सच्ची गल है, सही गल है। एक माँ बेटी को मैं भूल नहीं सकता, माँ के मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे और बेटी माँ से कह रही थी भाव का नहीं, हमारी अपनी पंजाबी जुबान भाव का नहीं। ये तो हम नौकर को कहते हुए डरते हैं, वो माँ से कह रही थी भाव का नहीं, यानी बकवास ना कर, रुआ के चुप, सिर्फ आंसू उसके गिर रहे थे। शायद वो याद कर रही थी कि 9 महीने कैसे इसको मैंने पेट में पाला, करती होनी जानते हुए कितनी तकलीफों से गुजरी और उसको दूध पिलाते हुए कितनी रातें मैंने काट काट के गुजारी और इसके पेशाब धोते हुए कितनी दफा मैं सर्दी में ठिठरी और आज ये मुझे कह रही है भौंक नहीं। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया जिसने माँ बाप को दुख दिया, सुनो गौर से बच्चों सारे सुनो, जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पे अल्लाह की लानत, उस पे फरिश्तों की लानत, उस पे जमीन आसमान की लानत, न उनकी नमाज कबूल है, न रोज़ा कबूल है, न सदका कबूल है। सही है। इस मेरे नबी की जिंदगी का दूसरा रूप हुकूकुल इबाद, नमाज हुकूकुल्ला में आ जाती है। मैं हुकूकुल इबाद की थोड़ी सी वजाहत कर रहा हूँ। माँ बाप जिंदा हैं तो दुआ ले लो, वालदैन से कहता हूँ बच्चों को इज्जत दो, जहाँ औलाद माँ बाप के हुकूक हैं वहाँ औलाद के हुकूक हैं। औलाद को इज्जत दो, औलाद को इज्जत दो, औलाद को इज्जत दो। बहुत सी औलाद की नाफरमानी का जरिया माँ बाप बन रहे हैं, सख्ती करके, ज़बरदस्ती करके और ठोंस कर चीज़ें नौकरों की तरह सलूक करके। मेरे नबी के घर में जब बेटी फातिमा मिलने के लिए आती थी तो मेरे नबी बैठे नहीं रहते थे, जो अब चेयर पे बैठे हुए बीबी फातिमा आ गई, अब ज़मीन पे बैठे हुए हैं बेटी आ गई, अब चारपाई पे लेटे हुए हैं बेटी आ गई। मेरे नबी क्या करते थे, खड़े हो जाते थे, खड़े हो जाते, एकदम खड़े हो जाते थे और फिर खड़े नहीं रहते थे, तेज़ी से आगे बढ़ते थे, हज़रत फातिमा का हाथ पकड़ लेते थे। ये वालदैन गौर से सुनो, हज़रत फातिमा का हाथ पकड़ लेते थे और हाथ पकड़ के मुझे देखो ए यूं बोसा लेते थे, बेटी का बोसा लेते थे, फिर हाथ छोड़ते नहीं थे, हाथ पकड़े पकड़े लाते 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 उनको चारपाई पर पहले बैठाते थे फिर खुद बैठते थे। ये बाप और रसूल होकर बेटी को ये इज्जत देते थे। फिर वो जन्नत की औरतों की सरदार बनी, फिर वो जन्नत के सरदारों की माँ बनी, फिर वो अल्लाह के शेर की जौजा बनी। तो वालदैन से कहता हूं कि अपने बच्चों को इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो। फिर आपसे जिंदगी के बड़े फैसले हैं शादी, आप लोग इकट्ठे पढ़ते हो लड़के लड़कियां, अपनी शादी के फैसले खुद न करो, अपने माँ बाप के हवाले करो। उसमें शराफत भी है, उसमें बरकत भी है, उसमें रहमत भी है और उसमें वालदैन की दुआएं भी हैं। कोर्ट मैरिज को हवा ना दो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर हमारा नहीं है। मेरे नबी के तरीके में मर्द और औरत का सिर्फ निकाह से ताल्लुक है, इसके अलावा सब जहन्नुम की आग है। और वालदैन से कहता हूँ कि अपने बच्चों से पूछ के रिश्ते करो, ज़बरदस्ती मत करो। मेरा मुआशरा बहुत संगीन किस्म के जुर्म का शिकार है, बच्चों पे मुसल्लत कर देते हैं, इत ही करने हैं, ऐसे जट्टा ची करनी है, बट्टा ची करनी, पता नहीं आए कितन जट बट। चलो तुम नाराज ना हो, राजपूतें ची करनी, मैं राजपूत हूँ, मैं अपनी कौम को भी रगड़ देता हूँ, राजपूतें ची करनी, अगर करनी ही कोई नहीं। ये जुल्म सितम औलाद पे मत करो, अपनी बच्ची से पूछो
अगर बेटी हाँ करे तो फिर कदम उठाओ, अगर बेटी कह दे मैं नहीं करना चाहती तो वो नाफरमान नहीं है अल्लाह के वास्ते। मेरी सुनो, सिर्फ तुम नहीं सुन रहे हो, इस कैमरे से लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं। अगर बेटा यूं कह दे कि अब्बा मैंने यहाँ शादी नहीं करनी, मेरा जी नहीं चाहता है, तो वो बेटा नाफरमान नहीं है, फरमा बरदार है, उसने शरीयत का हक इस्तेमाल किया है। अब ऐसा जुल्म मत करो कि नहीं इतने ही करनी है, इतने घरों निकल जा। कितनी वधिया गल कह रहे हैं, जिंदगी तुमने तो नहीं सबक है, जिंदगी तो बच्चे ने गुजार। मैं कुर्बान जाऊं, एक हदीस सुनो पहले फिर अगली बात सुना। तो मा तजवश्त वमा जवश्त इल्ला बिवहयिन मिन अस्समा नज़ल बिही जिब्रील। लोगो सुनो, मैंने जहां शादी की, मैंने जहां बेटी की शादी की, पहले आसमान से जिब्रील फरिश्ता अल्लाह का हुक्म लेकर आया, फिर मैंने कदम उठाया। समझ गए मेरी मेरी ये बात समझ गए सारे? अब अगली सुनो, हजरत अली फातिमा का रिश्ता लेने आ गए और जिब्रील उनसे पहले आ गया कि या रसूल अल्लाह फातिमा अली के लिए है, बाप मोहम्मद मुस्तफा जैसा है, रिश्ता मांगने वाला अली जैसा है और बेटी फातिमा जैसी है, और आप पूछते हैं अली कैसे आए? वो शर्म की वजह से कुछ कह ना सके, चुप। आपको तो पता था, आपने फरमाया फातिमा के रिश्ते के लिए आए हो? का जी। तो जिब्रील तनाल बैठा हुआ कि या रसूल अल्लाह इतना ही करना है। आपने हाँ नहीं की, आपने कहा इंशा अल्लाह और ये कहकर उठ गए। इंशाअल्लाह नबी का हाँ ही होता है, लेकिन जिब्रील के आने के बावजूद और अल्लाह के कहने के बावजूद मेरे नबी को भी पता है कि ये रिश्ता यहाँ कातबे तकदीर ने लिख दिया है, लेकिन उम्मत को सबक सिखाने के लिए आप घर तशरीफ ले गए। बेटी फातिमा का जी या रसूल अल्लाह का अली का रिश्ता आया है, मैं हाँ कर दूं? मैं अपने देहाती बच्चियों पे मुझे रोना आ गया, मुझे पता ही नहीं होता सानू कहीं दिन अलबम दे पेन जानवर है या इंसान है। अली जैसा तामा, चलो अली को छोड़ो, फातिमा को छोड़ो, जिब्रील आया बैठा है, जिब्रील आया बैठा है, उसके बाद फातिमा से पूछने की क्या क्या बात? जिब्रील आकर कह रहा या रसूलल्लाह अल्लाह कह रहा है फातिमा अली के लिए है और अली फातिमा के लिए है, और फिर आप कहते हैं बेटी फातिमा हाँ कर दो। हमारी तो आज की बेटियां इनकार नहीं करती, चुप करके गांव माज तरह बन छट देन के लेना। कोई उनके अंदर के जज्बात को सुनने वाला कोई नहीं होता। सही कह रहे, सही कह रहे, सही अपनी अनानियत पर ये फैसले करते हैं, और मेरा नबी कह रहा है बेटी हाँ कर दो। आपका क्या ख्याल है, फातिमा ने इनकार करना था? ये तो ये बेटियां नहीं इनकार करती तो फातिमा ने कहा करना? हाँ। लेकिन ये सबक देना था उन वालदेन को जो नादानी में नादानी के फैसले करके औलाद को हमेशा एक ठंडी आग में धक्का दे देते। सही कहते हैं। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब हाँ की फिर आप बाहर निकले। अच्छा मजे का वाक्य हो, हजरत अली उठ के बाहर निकले तो सहाबा बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे कि क्या हुआ। हजरत अली को भेजने वाले थे अब्दुर्रहमान बिन औफ, पहले अबू बकर गए तो आपने इनकार कर दिया, उमर गए रिश्ता मांगा आपने इनकार कर दिया, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अली से कहा आप जाएं आपका रिश्ता रद्द नहीं होगा। कहने लगे मेरा तो जाती घर भी कोई नहीं, मुझे कहां से रिश्ता मिलेगा, मैं तो बिल्कुल गरीब हूं। कह नहीं तुम जाओ। तो वापस आते उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन औफ पे चढ़ाई कर दी, वे क्या है ना तू मैनू गले आई, इनकार हो गया। तो साहबा ने पूछा क्या हुआ, कहा कुछ कहा ही नहीं, चुप करके उठ गए। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे कुछ बोले सही, कहा बस इतना कहा इंशाअल्लाह का तो मुबारक हो, नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है। क्या बात है। अच्छा तो इतने में आप बाहर तशरीफ ले, कहा अली हजी कह लो, बुलाओ लोगों को बुलाओ, सॉरी मस्जिद भर गई आपकी, सॉरी मस्जिद फुल हो गई। अब मेंबर पे खड़े हुए अली को सामने बिठाया, कहा लोगो ये जिब्रील मेरे पास अल्लाह का पैगाम लाए हैं कि मैं फातिमा बिनत मोहम्मद का निकाह अली के बिन अबी तालिब के साथ कर दूं। फिर आपने खुतबा पढ़ा और कहा कि अली हाय 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 मैंने फातिमा बिनत मोहम्मद को 400 दिरहम मेहर के इवज
तेरे निकाह में दिया, तूने कबूल किया। हजरत अली ने जोर से नारा लगाया, मैंने कबूल किया, और सजदे में चले गए, अल्लाह का शुक्र का सजदा अदा किया। फिर मेरे नबी ने वहीं सारे मजमे को शहद का शरबत पिलाया और ताज़ा खजूरें खिलाईं। फिर जब रुख्सती हुई तो आपने हजरत अली से फरमाया कि आप आके ले जाओ। फिर आपने हजरत उम्मे सलमा, हजरत हफ्जा और जनाब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, इन तीनों को बुलाकर फरमाया, तुम्हें पता है ना मुझे फातिमा से कितना प्यार है, तो तुम फातिमा को दुल्हन बनाओ, उसकी तैयारी करवाओ, उसे दुल्हन बनाओ। तो उन तीनों ने हज़रत फातिमा को दुल्हन बनाया। फिर आपने हजरत अली को पैगाम भिजवाया, वो तशरीफ लाए, अपनी ऊँटनी लेकर आए, हजरत अकील साथ है, सलमान फारसी साथ है, और दरवाजे पर ऊँटनी बिठाई, आप अली को अंदर ले गए और यूँ फातिमा का हाथ पकड़ के अली के हाथ में देकर फरमाया, अली तुम्हें नबी की बेटी मुबारक। फिर आपने कहा, मेरी बेटी फातिमा, मुझे अपने ख़ानदान में जो सबसे ज़्यादा महबूब था, मैंने तेरा हाथ उसके हाथ में दे दिया है। वालदैन से कहता हूँ अपने नबी की ज़िंदगी पढ़ो। मेरा दर्द है कि हमारी सकाफत में इस्लाम दाखिल नहीं हुआ, हमारे इबादत में इस्लाम आ गया। बहुत सारा मजमा मर्द औरतों का नमाजी है, हाजी है, उमरे करते हैं, लेकिन सकाफत में नबूवत की झलक दिखाई दे, सकाफत में अल्लाह का नबी दिखाई दे, वो नहीं है। ज़िंदगी बीत गई इस इंतज़ार में, मुद्दत से लग रही थी लबे बाम टक टकी, थक थक के गिर गई निगहें इंतज़ार, आज पता नहीं कब सुबह होगी। चलो कहते तो जाएं मुझे है अगर चबुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। वालदैन के ज़िम्मे है औलाद को इज्जत देना, उनके सबसे बड़ी ख्वाहिश में उनका एहतराम करना कि ज़िंदगी उन्होंने गुजारनी है, और आपके ज़िम्मे है वालदैन के आगे सर झुका देना। अल्लाह के वास्ते कोर्ट मैरिजेस और खुफिया शादियाँ, ये हमारा ना हमारी सकाफत है ना ये इंसानियत है, हमेशा दुख दर्दों में ज़िंदगी गुजरती है कि असल ज़िंदगी तो मौत के बाद आने वाली है। तो वालदैन पढ़ें शरीयत को, औलाद भी पढ़े अपने नबी की ज़िंदगी को। एक शख्स हज़रत उमर के पास आया एक बेटे को लेकर, कहा अमीरुल मोमिनीन ये मेरा बेटा बड़ा नाफरमान है और मुझे बहुत तंग करता है। हज़रत उमर के पास लाठी होती तो उन्होंने यूँ उठाई, वो कहने का हुजूर माफ़ी दिया जे, एक मेरी गल सुन लो। आपने फरमाया क्या? कहने लगा माँ प्यो दे बड़े हक हैं, बिल्कुल ठीक है, पर कोई साडा हक भी है माँ प्यो? आपने कहा हाँ। ओ आपने हाँ, कहने लगे ज़रा वो बता दें। का पहला हक है अच्छी माँ तलाश करें, नेक औरत तलाश करें। दूसरा हक ये है नाम अच्छा रखे। तीसरा हक ये है उसको कुरान की तालीम दे। कहा जी फिर सुन लो हजरत जी, अदा मेरे प्यो को पूछो इस हबशी औरत नाल शादी करके मैं हबशी माँ देती, इन्हें कोई अरब माँ ही नहीं लती। मेरा पहला हक इस मारे है। दूसरा सुन लो, इसने मेरा नाम जोलान रखा है, जोलान गंदगी के कीड़े को कहते इसने मेरा नाम जोलान रखा है। और तरी सुन लो, इस आयते मैंने कुरान दी शक्ल नहीं विखाई। अदर तुम्हारो ही सोटा हो दे सिर तक फेर दे, पहले तेरी मालिश करा फिर यदि कर। तो आज के वालदैन भी अपनी औलाद के बारे में बहुत 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 गाफिल हैं, और औलाद का भी हाल यही है। चूँकि माँ क्या है, बाप क्या है, औलाद क्या है, ये शरीयत, ये कुरान बताता है, ये मेरे नबी की ज़िंदगी बताती है। मैं इन्नी फुल लाना इन्हों की गल्ला सुन के, मैनू इन्ना वधिया लग्या, मैं इन्नी बार इमोशनल हो गई, मैं पॉज भी की वीडियो, तो मैं जाके अपनी अखा भी साफ कीतियाँ, तो आई डिंट वॉन्ट टू शो यू गाइज कि मैं बहुत रोंदू हाँ। मतलब इन्निया सोहनिया गल्ला कर रहे हैं, जो आप अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करांगे या उन्होंने इज्जत नहीं रखांगे तो फिर रब भी सानू यूनो माफ नहीं करता। ते सब तो वड्डी गल है कि जो उन्होंने गल्लां सुनाईयां कि जिवें एक बेटी ने अपनी माँ दी इन्नी बेइज्जती कीती, यू नो उन्होंने आप अखीं देखियां ते उन्होंने अखां चो अथरू निकल आए कि
ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੌਂਕ, ਹੈ ਨਾ, ਯੂ ਨੋ ਲਾਈਕ ਬੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂ ਨੋ ਵਟ ਐਵਰ। ਅੱਛੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਊ ਬਣ ਕੇ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸੋਚਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਐਵਰ ਥਿੰਕ ਬੈਡ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਯੂ ਨੋ ਨਾਪਤੋਲ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਲੀ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਦਖਿਲਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਖਿਲਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਦਖਿਲਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਲੋਸਟ ਇਟ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ, ਯੂ ਨੋ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੌਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ 17 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਟ ਵਾਸ ਵਰਥ ਵਾਚਿੰਗ, ਐਵਰੀ ਬਿਟ ਆਫ ਇਟ ਵਾਸ ਵਰਥ ਲਿਸਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਗੇਨ ਕਹੂੰਗੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਭਟਕ ਗਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਦੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਦੁਆ, ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਰਥ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਵ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਹਿਸ ਬਿਆਨਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਕੈਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲੁੱਕ ਇਨ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਚੈੱਕ ਦੈਮ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਆਲ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੰਟਿਲ ਦ ਨੈਕਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਫਰੋਮ ਮੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿਓਗੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।